बिहार विधानमंडल का बजट सत्र सोमवार से शुरू हो गया है। बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल सत्यपाल मलिक के अभिभाषण से हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा दोनों सदनों के नेता मौजूद थे। उन्होंने अपने अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियां भी गिनाईं। राज्यपाल ने कहा कि बिहार में अपराध का ग्राफ घटा है। उन्होंने कहा कि शराबबंदी के बाद बिहार में अपराध में कमी आई है। अपराध की दृष्टि से बिहार का देश में 22वां स्थान है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बता दें कि वित्त मंत्री सुशील मोदी मंगलवार को वित्त वर्ष 2018-19 के लिए सदन में बजट पेश करेंगे। इस बार बिहार का बजट 2.25 लाख करोड़ से अधिक होने की संभावना जताई जा रही है। ये पिछले बजट की तुलना में 15 से 20 हजार करोड़ अधिक होगा। इससे पहले वित्त मंत्री ने सत्र के पहले दिन बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश किया। इकोनॉमिक सर्वे आर्थिक सर्वेक्षण, उसको 2 खंडों में पेश किया गया है। खंड 1 के अंदर और 9 विभाग या 9 विषयों पर जो कुल मिलाकर राज्य की जो अर्थव्यवस्था का एक ओवरव्यू है, वृहद सिंहावलोकन जिसको कह सकते हैं, या पहले चैप्टर जिसमें नौ चैप्टर हैं, स्टेट फाइनेंस एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स, मैं उसको पढ़ूंगा नहीं, वो लिखा हुआ है। और दूसरा जो खंड है, इस दूसरे खंड के अंदर और बिहार की जो महत्वपूर्ण कुछ जो नई पहल प्रारंभ की गई बिहार में, जैसे 7 निश्चय, जीविका, शराबबंदी, जो बड़े पैमाने पर विद्युतीकरण का जो काम हुआ है, ये नीम कोटेड यूरिया, बिहार के अंदर जो बाढ़ आई उसका जो मुकाबला किया गया, कुपोषण, इम्पावरिंग विमेन एंड गर्ल्स इन बिहार, हेल्थ इन बिहार, ऐसे 9 अलग अलग विषयों पर भी और एक प्रारंभिक अध्ययन करने का प्रयास किया गया है। बजट सत्र शुरू होने से पहले किसान और बटाईदार के मुद्दे पर भाकपा माले ने जमकर हंगामा किया और सरकार को किसान विरोधी बताया। भाकपा माले के विधायक महबूब आलम ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के साथ धोखा कर रही है। आज राज्यपाल महामहिम के अभिभाषण में किसानों की समस्या का जिक्र हो, किसानों की कर्ज मुक्ति की गारंटी हो और NDA की सरकार प्रदेश की सरकार से मांग करते हैं कि बिहार विधानसभा पास करे, मोदी सरकार को आगाह करे कि किसानों की कर्ज मुक्ति ना होगी तो आने वालों दिन में भीषण किसान आंदोलन होगा और पूरा हिंदुस्तान का चक्का जाम किया जाएगा। बता दें कि राज्यपाल सत्यपाल मलिक के अभिभाषण के दौरान तो सदन में शांति बनी रही, लेकिन मंगलवार से बजट सत्र में हंगामे के आसार हैं। इस सत्र का समापन 4 अप्रैल को होगा। पंजाब केसरी TV के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट।